तो पब्लिक आ चुके एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के साथ, आप सभी को कुछ नया और अलग दिखाने के लिए। एंड आज हम जाने वाली एक 7-स्टार होटल में और वहां पर होने वाला एक मजेदार एक्सपेरिमेंट। तो बहुत से मेरे भाई लोग सोचते हैं कि यार किसी लग्जरी या 7-स्टार होटल में जाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, फिर उसकी एंट्री में टिकट वगैरह लगता है। बट आज हमारा एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आज मैं किसी 7-स्टार होटल में जाऊंगा, क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ का और किस तरह का होटल बना हुआ है सारी चीज़ दिखाएंगे वीडियो में। वीडियो को बढ़ाते हैं हम आगे की ओर और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैं जाने वाला हूँ आज शाहजहांपुर के द ग्रैंड आर्क होटल में। What a song, baby song, why no Max sound teacher Max, yo yo. Give me something. फाइनली हम गेट पर पहुंच चुके हैं, फटाफट से इसके अंदर जाते हैं और क्या क्या होने वाला है वहां पर आपको देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंट्री लेते ही हमें सामने चमचमाते शब्दों में द ग्रैंड आर्क लिखा हुआ मिलता है। अंदर जाते ही हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। होटल की मेन बिल्डिंग के गेट पर हमें एंट्री लेने से पहले सिक्योरिटी चेकअप कराना होता है, तो फटाफट से करा लेते हैं और चलते हैं अंदर। कहाँ जाने गए? अंदर जाते ही हमें सामने रिसेप्शन दिखता है और साथ ही साथ आसपास का व्यू दिखता है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा है। जैसा कि आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है सबसे लग्जरी होटल में सबसे सस्ता खाना ऑर्डर करने का, उसके लिए हमें रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। बट उससे पहले हमें रेस्टोरेंट की भी एंट्री करानी पड़ेगी। यार पता नहीं कितनी बार एंट्री लेंगे ये लोग। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एंट्री तो हो गई है एंड अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का रेस्टोरेंट कैसा है, कैसा नजारा है, तो देखते हैं फटाफट से। जिस तरह से इस भाई ने सीट पीछे की यार, मुझे तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है और साथ ही साथ विष्णु भाई को भी आ रही होगी। यार पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा इज्जत तो हमें कहीं और नहीं मिली जितनी यहाँ मिल रही है। जैसा कि हम लोग एंटर कर चुके इस होटल का रेस्टोरेंट में, मेरे पास मेन्यू कार्ड आ चुका है जो कि ये रहा। इसी मेन्यू कार्ड को देखने के बाद हमें पता चलने वाला है कि हम सबसे सस्ती चीज क्या ऑर्डर करेंगे और देखते हैं इस मेन्यू कार्ड को क्या क्या है इसके अंदर। तो इस मेन्यू कार्ड को देखने के बाद हमें पता चलने वाला है कि यार हम आज क्या चीपेस्ट चीज ऑर्डर करेंगे और हमें क्या खाने को मिलता है। फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं और भाई आ चुके हैं हमारे ऑर्डर को लेने के लिए। हम फटाफट से उन्हें बता देते हैं कि हमारा क्या ऑर्डर है। एंड हमारा ऑर्डर जो है वो हो चुका है और वो आने वाला है ऑर्डर। तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी और बहुत ज़्यादा खास है, तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। स्विमिंग पूल तो देख लेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस लग्जूरियस होटल का इस लग्जूरियस वॉशरूम को भी देखते हैं कैसा बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। देखिए आप लोग इस तरह का मुझे बाकी है, खत्म हो गया तुमसे ना हो पाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर व्यवस्था जो है इस तरह से, तो आगे चलते हैं क्या क्या है यहाँ पर होटल में। तो भाई लोग वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मजा भी आ रहा है, क्योंकि बात बताओ तुम कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? बेकारी नहीं है। होटल के मैनेजर से परमिशन लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यार ऊपर का नजारा भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ढाई सौ बना। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है और जो मतलब यहाँ पर फीलिंग्स है सच बता रहा हूँ काफ़ी आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की। और ये
तो ऊपर का नजारा तो सारा देख लिया है, लेकिन अब बारी है स्विमिंग पूल की, तो चलते हैं वहां भी। हमने जो ऑर्डर किया था वो आपको देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट में, और साथ ही साथ इस होटल की पार्किंग, गार्डन, स्विमिंग पूल सब कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं बहुत जल्द।